इच्छाधारी रूप, ब्रह्मा जी ने तो बहुत ही अच्छा वरदान दिया है। इसे प्रयोग करने में तो बड़ा ही आनंद आएगा। तो क्या बनूं? क्या बनूं मैं? ब्रह्मा जी का वरदान अब बनेगा सिंह हनुमान। महारानी मंदोत्री, आप? बस तुम्हारे शीश मेरे चरणों में नहीं, मात्र ईश्वर और माता पिता के चरणों में ही झुकने चाहिए। अब जा, तुम सब स्वतंत्र। हम सब स्वतंत्र, हम सब स्वतंत्र। महारानी, महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। आप ठहरिए, आप यहां से नहीं पीछे से जाइए। मंदोदरी, क्यों छोड़ा आपने इन बंदियों को? पूर्णमासी के दिन इनकी बलि चढ़ानी थी हमें। अपने पति को निर्बलों पर अत्याचार और अन्याय करने से रोकना हर पत्नी का धर्म होता है, वही निभा रही हूँ स्वामी। सुन लो महारानी, मुझे तीनों लोकों पर शासन करना है और उसके लिए भय का होना आवश्यक है। भय ही विजय का मार्ग प्रशस्त करता है। उन निर्बलों में भय फैलाकर ही उन्हें जीता जा सकता है। निर्बलों को प्रेम से भी जीता जा सकता है स्वामी। जहां देवता छल और कपट करते हैं जैसा उन्होंने समुद्र मंथन के समय किया था, वहां प्रेम और न्याय का स्थान नहीं होता है महारानी। और आप मुझे पत्नी धर्म की दुहाई दे रही हैं, तो आपको याद दिला दूं
पत्नी का केवल एक धर्म होता है, अपने पति का साथ देना। पत्नियों, साथ तो सदैव दूंगी स्वामी, किंतु जितना मेरा वश चलेगा आपको अन्याय और अत्याचार से दूर रखूंगी। नहीं, इसके लिए आप मुझे भी मृत्युदंड दे दें। पतिव्रता पत्नी, कैसी पत्नी मिली है मुझे? ऐसी पत्नी मिली है मंदोदरी, जिसके महत्व को रावण अपने अहंकार के कारण समझने में असमर्थ है। रावण मंदोदरी का सुहाग है, किंतु पतिव्रता मंदोदरी सौभाग्य है उसका, जिसे वो अपना दुर्भाग्य समझ रहा है। मंदोदरी के पुण्य और तप के कारण ही रावण के पापों का घड़ा नहीं भर रहा था। हां, केवल सहचारिणी ही नहीं, पत्नी सहधर्मिणी भी होती है। पत्नी के तप का प्रभाव पति के जीवन पर पड़ता है। रावण अत्याचार करके पापों का अर्जन करता, तो दूसरी ओर मंदोदरी के पुण्य कर्मों से उसके पति रावण के पापों का क्षय होता। मात्र रावण के साथ ही नहीं है, अपितु संसार के सभी पतियों के साथ भी है। उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि पत्नी मात्र पति के अनुगामिनी ही नहीं होती है, पति के मान सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए उन्हें अधर्म के मार्ग पर चलने से रोकने की शक्ति और क्षमता भी रखती है। सखा, हम सिंह तो बन गए थे, किंतु सिंह की गर्जना के बिना सिंह ही कैसा? हमें एक बार तो सिंह गर्जना करनी ही होगी। शांत हो जाइए नानी, शांत हो जाइए।